गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 6। दिस इज चैप्टर 6, स्पोर्ट्स इन सिनेमा। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन क्लूज को रीड करना है एंड उनके नेम देने हैं। इट इज वार्सिटी ब्लूज पल्स पेटर एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग माइनस द व्हिप्ड क्रीम बिकनी विथ दिस ट्रू लाइफ टेल डायरेक्टर पेटर बर्ग पेंट्स अ मूविंग एंड डिस्टर्बिंग पोर्ट्रेट ऑफ 80s स्मॉल टाउन टेक्सास। रैकिस स्टिल रेस द इकोनॉमी इज एलिंग द एंड द होप्स ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी राइट ऑन हाई स्कूल फुटबॉल दैट इज फ्राइडे नाइट लाइट। यानी कि एक वर्सिटी ए ब्लू प्लस वेट एक एक्टिंग है और एक डायरेक्टिंग है जो मूवी को डायरेक्ट करते हैं और जो उसमें एक्टिंग करते हैं। एंड इसमें क्या था कि ट्रू लाइफ टेल थे, यानी कि जो स्टोरी थी वो ट्रू थी, यानी कि जो सच्ची कहानी पर आधारित थी। जो डायरेक्टर ने जो फुल मूवी बनाई थी वो जो रियल लाइफ में हुआ था वही उन्होंने पिक्चर में उतारा था, यानी कि उसमें दिखाया था, उसमें एज अ पेंटिंग एज अ स्टोरी उन्होंने उस पिक्चर में वो दिखाया था। एंड ये एक एलिंग है कि जो इसकी एंटायर कम्युनिटी थी वो हाई स्कूल फुटबॉल पर बेस्ड, यानी कि जो फुटबॉल स्कूल फुटबॉल सॉरी स्कूल में जो फुटबॉल खेलते हैं उसके ऊपर बेस्ड है फ्राइडे नाइट लाइट्स। नेक्स्ट, यूएस द हॉकी टीम्स अनलाइकली ट्रियम्फ ओवर द रस्कल्स इन 1980 ओलंपिक्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स स्टोरीज ऑफ आवर टाइम एंड द डिज्नी ऑन आइसक्रीम वर्जन। डोंट वरी, देयर इज नो सिंगिंग वुड मूव द बिगेस्ट बेडेस्ट पेनल्टी मिनट लीडर टू टीयर्स FYI, that is 5 minute major for crying like a baby, that is miracle। यानी कि जो US की हॉकी टीम्स थी वो बहुत ही रुचकेश थी 1980 में ओलंपिक्स में। एंड ये एक ग्रेटेस्ट स्पोर्ट था, यानी कि ओलंपिक का बहुत ही अच्छा ग्रेटेस्ट स्पोर्ट था जिस पर एक स्टोरी बनी थी, यानी कि पूरी मूवी बनी थी द डिज्नी आइसक्रीम वर्जन। दैट मीन्स डोंट वरी, यहाँ पर देयर इज नो सिंगिंग, यहाँ पर कोई नहीं गा रहा है। ये क्या था, एक प्लेंटी मिनट लेटर था, यानी कि आंसू टाइप था, बहुत ही बिगेस्ट एंड बेडेस्ट था। एंड FYI, दैट्स अ 5 मिनट मेजर फॉर क्राइंग लाइक अ बेबी, यानी कि 5 मिनट मेजर, यानी कि 5 मिनट का टाइम था जिसमें बच्चे की तरह रो रहा था, दैट इज मिरेकल। नेक्स्ट, या सो इट बीट आउट रेड्स ऑफ द ऑस्कर बट देयर मोर टू फिल्म देन इज अंडरगोस अंडरडॉग स्टेटस इन पोर्ट्रेइंग द रिवरली बिटवीन टू वाइडली डिफरेंट ब्रिटिश रनर वन एज अपर क्लास यू एंड द अदर स्कॉटिश मशीनरी। द फिल्म कैप्चर्स द पैशन टू कम्प्लीट द गोल्स ऑफ बॉय एंड मनी क्लास और फेम एंड डोंट फॉरगेट दैट थीम सॉन्ग दैट इज कैरोट्स ऑफ फायर। यानी कि जो ऑस्कर थे, जो बीट थी ऑस्कर के लिए वो क्या था, एक उस पर भी एक फिल्म थी अंडरडॉग स्टेटस पर, और इसमें टू डिफरेंट, यानी कि ब्रिटिश टू डिफरेंट ब्रिटिश थे, एक था अपर क्लास ज्यू एंड दूसरा स्कॉटिश मिशनरी। एंड जो फिल्म जो कैप्चर की गई थी इसमें पूरा पैशन बताया था, कंप्लीट पैशन की बताया था, जिससे कि जो भी उसका पैशन था जो लाइक मनी क्लास फेम ये सब सब कुछ चाहिए होता है ये सब के ऊपर बेस्ड थी। एंड हमें इसका जो थीम सॉन्ग था वो नहीं भूलना चाहिए, चैरिटी चैरिट्स ऑफ फायर। नेक्स्ट, थ्रोली ऑस्टेंसिवली अबाउट एस्पिरिंग बाइक रेसर दिस इफेक्टिंग ड्रामा इज रियली कंसर्न विद लो रेसिंग इज सीन एज वे टू एस्केप द कन्फाइंस ऑफ अ स्मॉल टाउन इन दिस केस ब्लूमिंगटन इंडिया वेयर द फोर हीरोज आर डिराइसिवली कॉल्ड कटर्स बाय द कॉलेज किड्स देयर एंड सो इट्स यूनिवर्सल थीम प्लेड आउट ऑन टू व्हील्स। एंड की एंड दैट इज ब्रेकिंग अवे, इनकी एक टू व्हीलर जो है उस पर प्लेट रहता है, इनकी उस पर खेलते हैं और उनके जो भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कटर्स। ये पूरा एक ड्रामा क्रिएट होता है ये, और उसमें किस तरीके से रेस करते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए होता है और
यानी कि सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उसके रूल्स हैं, वो सब इसमें रहते हैं। इसके फोर हीरोज़ रहते हैं, जिन्हें नाम क्या दिया जाता है, कटर्स। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रूली ग्रेट स्पोर्ट्स मूवीज रॉबर्ट वाइज 1949 फिल्म नॉयर अबाउट एन ओवर द हिल बॉक्सर रॉबर्ट रियान हु रिफ्यूज टू टेक अ डाइव डेस्पाइट डायर कॉन्सिक्वेंस इज वन ऑफ दोज क्लासिक पिक्चर डेज सरप्राइज अस विद इट्स इंटेंसिटी एंड टाइमलेसनेस। वी हैड से इट नॉक्स अस आउट, वी हैड नेवर गो डाउन सो इजीली, दैट इज द सेट अप। यानि कि जो मूवी है वो रियल थी, जो रॉबर्ट वाइस की 1949 में, जो कि किस पर किसके ऊपर बेस थी, हिल बॉक्सर के ऊपर, दैट इज रॉबर्ट रियान, जिन्होंने एक क्लासिकल पिक्चर बनाई थी, यानी कि स्पोर्ट्स के ऊपर एक पूरी पिक्चर बनाई थी, जिसमें कि उन्होंने पूरी इंटेंसिटी बताई थी, क्या कैसे क्या हुआ था वो सब कुछ बताया था, एंड उन्होंने सब कुछ नॉकआउट किया था, यानी कि एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी। सो ये फाइव सेंटेंस हैं जो आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं एंड लर्न इट। योर चैप्टर 6 इज कम्प्लीट।